बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरहान अमीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न एंड अर्न विद फरहान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस पर हम वर्क सीखने वाले हैं, उसका नाम है Evanto.com। Evanto.com एक लीडिंग मार्केट प्लेस है जिस पर लोग आकर फ्रीलांसर्स अपनी मुख्तलिफ चीजें बाय करते हैं। यहाँ से आप ग्राफिक डिजाइनिंग की आइटम्स एलिमेंट्स बाय कर सकते हैं, यहाँ से आप वेब पेजेस बाय कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने यूज के लिए जो स्टॉक वीडियोस होती हैं वो मिल सकती हैं। आपने किस तरह से यहां से कमाना है, आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके, मींस आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिससे आपने चीजों को डाउनलोड करना है, पिक्चर्स और वीडियोस को डाउनलोड करना है और इस वेबसाइट पर आकर आपने प्लेस कर देनी है। और कोई भी आपकी पिक्चर या वीडियो को डाउनलोड करेगा वो आपको यहां पर वीडियो या पर पिक्चर के $5 से $10 पहले पे करेगा, फिर उसके बाद वो आपकी पिक्चर को यूज कर सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं आपने यहाँ पर काम किस तरीके से करना है, किस तरह से आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरीके से यहाँ से आप इजीली विड्रॉ ले सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी वीडियो स्क्रीन पर, आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल पर भी ये वर्क कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप पीसी पर भी ये वर्क कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर लिखना है Evanto। यहाँ पर आपको नीचे इसकी वेबसाइट आ जाएगी Evanto.com के नाम से, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि ये वेबसाइट रियल है या ये फेक है। यहाँ पर मैंने सिमिलर वेब पर सर्च किया हुआ है Evanto.com, कंपनी Evanto Pty.Ltd. यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर एयर में जो फाउंड हुई है ये 6 में ये फाउंड हुई है और कंपनी की एम्प्लॉयज़ की तादाद है 501 से लेकर 1000 तक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया में और इसका जो रेवेन्यू है एनुअल वो $100 मिलियन से लेकर $200 मिलियन तक है। जी दोस्तों, ये थी इस कंपनी का बैकग्राउंड। क्योंकि ये कंपनी रियल है, 2006 से वर्क कर रही है, तो इसके फ्रॉड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने जो नीचे नज़र आ रहा है Evanto.com, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाना है आवर प्रोडक्ट्स पर। अच्छा, यहाँ पर आवर प्रोडक्ट्स पर आने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है Evanto मार्केट बाई एंड सेल डिजिटल एड्रेस, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाता है जिसमें आपको यहाँ पर 3D फाइल्स, फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर रॉयल्टी फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ फ्रॉम $2। जब भी आप कोई पिक्चर वगैरह यहाँ पर अपनी अपलोड करेंगे उसके लिए यहाँ पर $2 मिनिमम प्राइस होती है और उसके अलावा आप जितनी मर्जी प्राइस रख सकते हैं। देखिए, $5 की प्राइसेस है। अगर आप खुद की पिक्चर्स अपलोड करना चाहते हैं, आपके पास कैमरा अच्छा है, आप किसी जगह की पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो वो दी बेस्ट है। बट आपके साथ मैंने एक वादा किया हुआ है कि आपको एक फ्री वेबसाइट बताऊँगा जिधर से आपने पिक्चर्स डाउनलोड करनी है, ग्राफिक्स डाउनलोड करनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर ये देखें स्टार्ट 3D फाइल वगैरह ये यहाँ पर कोड आ जाते हैं, ठीक है। इससे नीचे जैसे ही आएंगे आपने सिर्फ यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप यहां पर बिकम एन आर्थर पर आ जाते हैं, ठीक है। बिकम एन आर्थर पर आने के बाद यहां पर बिकम एन Evanto ऑथर टुडे यहां पर आपने क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहां पर साइन इन का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है कि अगर आप चाहें तो गूगल से साइन अप कर सकते हैं या फिर आप एप्पल या फिर फेसबुक या फिर आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर गूगल विद कंटिन्यू विद गूगल कर देना है और यहाँ पर इसे सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट मांग रहा है और मैंने इसे अकाउंट देकर यहाँ पर साइनअप के लिए छोड़ दिया, ठीक है। आपसे वेरिफिकेशन कुछ करेगा थोड़ी सी और उसके बाद आपको डायरेक्ट आपके मेन पेज पर लेकर जाएगा ये। यहाँ पर एग्रीमेंट पर आपने क्लिक करना है, इसे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें ये कुछ क्वेश्चनिंग हमसे पूछ रहे हैं। हाय मिस्टर मलिक, वेलकम ऑन बोर्ड। आई ऑलरेडी मेक अ लिविंग फ्रॉम मेकिंग एंड सेलिंग आइटम्स ऑनलाइन। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। वन प्लान टू मेक एंड सेल आइटम्स फुल टाइम। अच्छा, आई प्लान टू मेक एंड सेल आइटम्स पार्ट टाइम। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपने
उस पर क्लिक कर देना है जो आपकी समझ में है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर ये कर देता हूँ, आई ऑलरेडी मेक अ लिविंग टू प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइन एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये फॉर्म आपने ध्यान से देखना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, फॉर्म आप सही तरह क्लिक नहीं करते, फिल नहीं करते, फिर बाद में आपको परेशानी आ जाती है। अच्छा जी, वेयर डू यू वॉन्ट टू सेल, आई विल सेल एग्जैक्टली ऑन इवेंटो, ठीक है। आई विल सेल ऑन इवेंटो एंड एल्सवेयर, ठीक है। आपने सिर्फ पहले नंबर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। अच्छा जी, वेबसाइट थीम और टेम्पलेट आप सेल करना चाहते हैं, यहाँ पर ये पूछ रहा है। कोड स्क्रिप्ट एंड प्लगइन सेल करना चाहते हैं, स्टॉक वीडियोस एंड टेम्पलेट सेल करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन 3D मॉडल सेल करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और सेल करना चाहते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर देख लेना है, आपने स्टॉक फोटोग्राफी आपने करना है, और उसके अलावा आपने यहाँ पर आ जाना है स्टॉक वीडियोस वगैरह पर, ठीक है। इन दोनों में से आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों ही ज़बरदस्त आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जो वेबसाइट आपके साथ शेयर करूँगा उस पर दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा जी, स्टॉक वीडियो एंड टेम्पलेट्स पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है, जब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मॉडल एंड प्रॉपर्टी रिलीज, ठीक है। इफ़ यू हैव रीजनल बिल्डिंग और पीपल इन योर आइटम, यू नीड टू इंक्लूड रिलीज विद योर सबमिशन, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वरना यहाँ पर वी एक्सपेक्ट यू टू प्रोवाइड क्लियर डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर आफ्टर इफेक्ट्स टेम्पलेट्स, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हैं टेक मी टू डैशबोर्ड, यहाँ पर आपने सिर्फ डैशबोर्ड पर क्लिक करना है कि आपको मेन डैशबोर्ड पर लेकर जाया जाए, जहाँ पर आप अपना लोकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। आपने वीडियोस वगैरह यहीं पर अपलोड करनी है, यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री यहाँ पर ये देखें, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, अगर पाकिस्तान के बाहर से हैं तो आप कुछ कोई और कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन पर आपने किया, ईमेल न्यूज़लेटर्स वगैरह ऑल गुड लेट्स गो पर यहाँ पर आपने क्लिक करना, और आप आ गए आपके मेन पेज पर। आपका यहाँ पर पेज पूरा हो चुका है, ठीक है। अपलोड योर फर्स्ट आइटम एंड योर प्रोफाइल, ठीक है। टेक मी टू माई प्रोफाइल पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप टेक मी टू माई प्रोफाइल पर जाएंगे, आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को चूज़ कर सकते हैं, अपलोड अवतार, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं, जिस पिक्चर पर आपने वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं अपनी एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमारा काम होता है, हमने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है, हमने पे आउट मेथड देना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर पे आउट लेना है, और यहाँ पर हमने जो जो काम करना है, जिस तरीके से हमने प्रोफाइल फिल करनी है, अपनी एक प्यारी सी प्रोफाइल होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई आपसे परचेज़ करे तो वो देखे कि हाँ जी, ये बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है। यहाँ पर सेव्ड क्रेडिट कार्ड आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ जाती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आप देखें, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। फरहान हमीद, यहाँ पर कंपनी नेम अगर आपकी है तो लिख दें, वरना कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर मैंने दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कंपनी नंबर अगर आपके पास है तो आप लिख दें, वरना आप यहाँ से क्विट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया, इसे सेव, अपडेट किया, यहाँ पर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई फिल, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाती है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। आपने सिर्फ यहाँ पर प्रोफाइल पर अपनी पिक्चर को अपलोड करना है, ठीक है। कोई भी पिक्चर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर लगाने के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर को चूज़ करना है, और पिक्चर चूज़ करने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव करेंगे, आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपकी एडजस्ट हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर सेव्ड क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, अगर आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बैजेस आ गए आपके, ईमेल सेटिंग आ गई, सोशल नेटवर्क्स आ गए, ठीक है। अगर आप अपने सोशल नेटवर्क करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑथर टूल्स आ गए, इनवॉइस एंड क्रेडिट सेटिंग्स यहाँ पर आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, इनवॉइस हमारी आ गई, हाइड योर पर्सनल, वी विल योर नेम और कंपनी नेम टू इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सनल सेटिंग के अंदर आप यहाँ पर या तो जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है आप वो सेटिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने से भी लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया जी आइटम सपोर्ट सेटिंग्स वगैरह आ गई, ठीक है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है, सपोर्ट फाइल आ गई, नॉट सपोर्ट सपोर्टिंग थ्रू दी
आइटम कमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर आ गई, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपकी फ्यूचर आइटम टैक्स इन्फॉर्मेशन आ गया। अच्छा, टैक्स इन्फॉर्मेशन में समटाइम्स क्या होता है, लोग फंस जाते हैं जी टैक्स इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर किस तरीके से दें जी, हमें तो बड़ा मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारा इशू चल रहा है जी कि हम यहाँ पर किस तरीके से अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन दें। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी होती है, अगर आप यहाँ पर यूएसए से हैं तब सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप यूएसए से नहीं हैं तो हाँ, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूएसए नॉट यूएसए पर क्लिक करना है, आई एम नॉट अ यूएसए पर्सन, ठीक है। जो जो आपकी टैक्स स्टेशन लगती है वो आपकी यहाँ पर ये देखें, कंपनी के थ्रू कर रहे हैं या आप एन इंडिविजुअल कर रहे हैं, आप यहाँ से इंडिविजुअल पर ही आपने क्लिक करना है, क्योंकि आप सिंगल पर्सन यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने इंडिविजुअल पर ही यहाँ पर क्लिक करना होता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाता है जी नाम, यहाँ पर ये सारी एड्रेस वगैरह है, देखें आपका सिटी टाउन वगैरह आ गया, ठीक है। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर आ गया जी, इंडिविजुअल टैक्स इम्पेयर आ गया, ठीक है। फॉरेन टैक्स आईडी नंबर आ गया, आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड टैक्स आईडी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बार बार बताया जो रियल होती है ना वो लिखा करें। समटाइम्स क्या होता है लोग रियल नहीं देते, बाद में जब वो आईडी प्रूफ वगैरह मांग लेते हैं कोई वेबसाइट तो फिर उन्हें मसला पड़ जाता है। अच्छा जी, सर्टिफिकेशन पर आ गया, ठीक है, आई हैव रीड ऑल दी सर्टिफिकेशंस, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसे सबमिट कर दिया। इतना सा आसान काम था ये, मेरी ये टेक्स्ट की जो फाइल थी वो मैंने यहाँ पर सेव कर दी और सारी मेरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है, ठीक है। इतनी सी चीज़ें थी, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको यहाँ पर फिल करना था, और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल पर यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपलोड किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से आपने यहाँ पर वर्क करना है, किस तरह से आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अच्छा, ये कह रहे हैं ऑल मैसेज रिकॉर्ड्स आर स्पैम नॉट टॉलरेंट, अगर आप यहाँ पर कोई स्पैम वगैरह करते हैं तो वो टॉलरेंट नहीं किया जाएगा, आपसे यहाँ पर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मांगी है तो इन्होंने यहाँ पर आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही देनी पड़ेगी, ठीक है। अब जहाँ हमने फाइल सेलेक्ट करनी है, जहाँ से हमने करनी है, जो वेबसाइट से हमने यहाँ पर कलेक्ट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर कलेक्ट किस तरह से करनी है, ठीक है। अब आपने आ जाना है दोबारा गूगल पर, गूगल पर आने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पर लिखना है पिज्ज़ा बे, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं पिज्ज़ा बे, पिज्ज़ा बे पर आने के बाद ये मुफ्त वाली वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, जिस पर आपको इमेजेस, वेक्टर्स, ग्राफिक्स, वीडियो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मैं आपको इसकी लिस्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी पेड होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मुफ्त मिल जाती हैं। देखें, फ़ोटोज़, इलस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, वीडियोस, म्यूज़िक, साउंड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है इंटरनेशनल फर्म्स को, यहाँ पर उन्हें थोड़ी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह ये देखें, हाई रेजोल्यूशन आपने डाउनलोड करनी है, आपने कभी भी लो रेजोल्यूशन डाउनलोड नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेचर की लगाई है, और यहाँ पर ये देखें 4K पर यहाँ पर आ गई हैं, और ये नेचर की हमारी पिक्चर्स आ गई हैं, वीडियोस आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह जब भी आप पिक्चर्स वगैरह लेना चाहें तो आप यहाँ से पिक्चर पर सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें बटरफ्लाई की यहाँ पर आ गई है, फ्लावर की। तो हमने सिर्फ इसे क्या करना है, हमने यहाँ पर इसे सिर्फ ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमने जस्ट यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पर साइन इन कर लेना है, मेरा साइन इन है तो इस वजह से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर आ गया 1280, 1920, 1080 आपकी हाई रेजोल्यूशन फाइल यहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है, जिसे आपने सिंपल यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर मुझे कह रहा है कंटिन्यू विद गूगल करना है, जी हाँ सॉरी, मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपना अकाउंट एक्टिव करता हूँ यहाँ पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट क्रिएट होता है, आपको यहाँ पर कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिंपल यहाँ पर अपना साइन इन करना है, और साइन इन करने के बाद हमने यहाँ पर सिर्फ सिंपल डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, देखें से थैंक्स टू न्यूस्केप, और यहाँ पर ये देखें मेरा जो डाउनलोडिंग वीडियो थी वो मेरी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने क्या करना, मुख्तलिफ चीज़ों की वीडियोस यहाँ पर आप पहले सर्च करेंगे मार्केट के, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वीडियोस वगैरह, उसके अलावा उसके साथ ही आपने यहाँ पर काम करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफाइल पर आते ही डैशबोर्ड पर आते ही अपलोड योर फर्स्ट आइटम पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड योर फर्स्ट आइटम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कर लेनी है
कैटेगरी सेलेक्ट, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट्स आ गया, ठीक है, प्रीमियम टू टेम्पलेट्स आ गया, सिनेमा 4D टेम्पलेट्स आ गया, एड ऑन्स आ गया, मोशन ग्राफिक्स आ गई, स्टॉक फुटेजेस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट कौन सी करनी है, हमने यहाँ पर करनी है मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। इसके बाद हमने जाना है नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर जाने के बाद हमें यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर हमें कहेगा जी आप अपने चीज़ें अपलोड करें, अपलोड विद FTP, अपलोड क्लिप्स। अपलोड क्लिप पर हमने यहाँ पर क्लिक किया, अपलोड क्लिप पर क्लिक करने के बाद ही हमें कह रहा है जी सिलेक्ट फाइल टू अपलोड करनी है हमने यहाँ पर PC से। अब जो फाइल मैंने यहाँ पर डाउनलोड की थी, ये देखें, सबसे पहले डाउनलोड के अंदर फाइल आई हुई है, यहाँ पर ये मेरी फाइल आ चुकी है और अब ये 5 MB की जो फाइल है ये अपलोड हो रही है, ठीक है। सिंपल इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दिया। जैसे ही ये फाइल अपलोड होगी, यहाँ पर ये देखें मेरी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अपलोडिंग के बाद मैंने इसका टाइटल देना है, टाइटल देने के बाद मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है और डिस्क्रिप्शन देने के बाद मैंने इसकी पेमेंट लिखनी है कि कितनी पेमेंट में लोग मुझसे ये परचेज़ कर सकते हैं। अब पेमेंट मैं आपको बता देता हूँ, $5 से नीचे आपने कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं रखनी, ठीक है। जब भी आपने रखनी है $5 से नीचे नहीं रखनी, जब भी आपने रखनी है $5 से ऊपर रखें, ताकि ये लाइफ टाइम काम होता है। जब भी आपने एक बार अपलोड कर दिया उसके बाद आपकी जो पिक्चर होगी वो आपकी या वीडियो होगी वो आपकी ओरिजिनल यहाँ पर पड़ी रहेगी लाइफ टाइम तक। सिर्फ आपने वन टाइम अपलोड करनी है, उसके बाद जब जब आपकी डाउनलोड्स होंगी तब तब आपको यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया टाइटल, टाइटल हमने वही रखा, बटरफ्लाई यहाँ पर ये देखें बटरफ्लाई रख दिया यहाँ पर, नेचर, ठीक है। अगर आप सिंपल बटरफ्लाई भी रख दें तो यहाँ पर आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिख दिया ये बटरफ्लाई की वीडियो है जो नेचर से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने टैग्स देने हैं। अच्छा, अब टैग्स यहाँ पर क्या करना है, एंटर टैग्स दैट डिस्क्रिप्शन यू आइटम प्लीज़ एंटर और कोमा टू क्रिएट अ टैग, ठीक है। जब भी आपने यहाँ पर टैग रखना है, ये देखें यहाँ पर, जिस तरह ये देखें यहाँ पर मैंने लिया बटरफ्लाई के स्पेलिंग को, ठीक है, यहाँ पर इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ सिंपल किया और यहाँ पर मैंने कोमा लगाया और मेरा एक टैग यहाँ पर क्रिएट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह आ गया नेचर, नेचर का मैंने कोमा लगाया यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने HD नेचर लिखा, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो टैग्स हैं वो यहाँ पर करते रहने हैं, 47 टैग्स की इजाज़त होती है। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, योर आइटम टाइप सेलेक्ट करनी है, स्टॉक फुटेज है, मोशन ग्राफिक्स हैं जी, हमने मोशन ग्राफिक्स सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड्स आ गया, अब्स्ट्रैक्ट आ गया, कार्टून्स, अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ये नेचर की कैटेगरी नेचर में आ गया, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन आ गया, यहाँ पर ये मेरा सेट है, रेजोल्यूशन आ गई इसकी, ठीक है, ऑडियो इन प्रीव्यू आ गया और यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑडियो जंगल आइटम यूज्ड इन प्रीव्यू वीडियो, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है, क्या यूज़ हो रही है, यहाँ पर आपने टाइटल आर्ट टाइटल दे देना है और उसके बाद यहाँ पर ये देखें। अच्छा जी, बायर फ़ी आ गई जी 3 और यहाँ पर आइटम फ़ी आपने यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया, कम से कम आपने $5 रखनी है और जब भी आप यहाँ से, इनकी भी कमीशन जाती है क्योंकि वो आपकी जो टोटल आ गई वो $8 आ गई, ठीक है। $8 के बाद यहाँ पर आइटम फी, फिर मल्टी यूज़ लाइसेंस आ गया, उसको भी आपने क्या करना है, उसको आपने यहाँ पर $10 रखना है क्योंकि अगर मल्टी यूज़ के लिए चाहिए तो उसे यहाँ पर $22 आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा जी, फिर आ गया रिकमेंडेड परचेज प्राइस, इट्स जस्ट अ गाइड टू हेल्प यू दी डिसाइड ऑल प्राइसिंग डिसाइड योर, ठीक है। यहाँ पर प्रीव्यू में आ गया, ठीक है, आपका यहाँ पर प्रीव्यू चलता रहेगा। कमेंट टू रिव्यू यहाँ पर आ गया कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हैज़ बिन फॉलोड इश्यूज़, डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट प्रेजेंट, हैज़ हैश टैग्स आपने नहीं दिए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये जो रेड लाइन के साथ हैं, ये देना लाजमी है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद ही आप इसे आइटम को अपलोड कर सकते हैं और आप इसको सेलिंग के लिए लगा सकते हैं। वो वीडियो को अपलोड कर लेंगे, अपनी पिक्चर्स, स्टॉक पिक्चर्स वगैरह को अपलोड कर लेते हैं तो आपकी बारी आती है एंड में हमारे पे आउट्स की, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम अर्निंग पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर सारी अर्निंग शो हो जाती है कि कितनी मेरी अर्निंग है। इस वक्त तो मेरी जो अर्निंग है वो बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पर आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, बिल्कुल
जीरो पे खड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पर कोई चीज़ सेल नहीं की, आपके लिए फ्रेश अकाउंट बनाकर दिखाया। साथ ही पे आउट का ऑप्शन होता है यहाँ पर, अभी मेरा दिखा रहा है योर कंट्री करंटली हैव $0 इन अर्निंग टू बी पेड योर अर्निंग इन नेक्स्ट मंथ पे आउट, ठीक है, सेट योर अकाउंट नाउ। अच्छा, अब यहाँ पर पे आउट अकाउंट आ जाता है, यहाँ पर अकाउंट आपने अपना सेट करना है, और जो अकाउंट आपने यहाँ पर सेट करना है अपना वो है पायोनियर का। अब पायोनियर की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है किस तरीके से आप अपने मोबाइल पर जैस कैश के थ्रू पायोनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और जैस कैश के साथ कनेक्ट करके इजीली अपने विड्रॉ को जैस कैश में ले सकते हैं। तो वीडियो आपने वॉच कर ली है, आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आपको मिनिमम जो विड्रॉ मिलेगा पायोनियर पर वो $50 का मिलेगा। यहाँ से आपने सेट पे आउट अकाउंट कर लेना है, देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने पायोनियर पर क्लिक करके यहाँ पर आपने क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड कर लेना है। जैसे रजिस्टर्ड करेंगे आपने अपना जो पायोनियर का अकाउंट होगा वो दे देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि मेरा दूसरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है दूसरी आईडी पर, जहाँ पर वर्क चल रहा है और वहाँ पर आइटम्स वगैरह मैं सेल करता रहता हूँ इसी तरीके से। बाहर से कोई अगर काम करें पाकिस्तान से बाहर से तो पेपॉल भी आपको $50 पर दे रहा है, अगर आप स्विफ्ट पर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको $500 का विड्रॉ मिलेगा। बट सबसे बेस्ट और रिलायबल जो वे है पे आउट का वो पायोनियर है, तो आप भी पायोनियर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो समझ आई होगी क्योंकि ये डिटेल वीडियो मैंने क्रिएट की है ताकि लोग देखें, समझें, सीखें और काम अपना शुरू करें। इस काम के लिए ना ही आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना ही आपने किसी डिग्री के लिए भागना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई आपका कोई दूसरा काम है। आपने जस्ट अकाउंट क्रिएट करना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।